was that UP is purely the number of facts with mu is equal to 0, and variance sigma scale p, then a process x3 is said to be a moving average process of order q. मूविंग एवरेज प्रोसेस में हमारे पास एम ए क्यू प्रोसेस जिसे कहते हैं, क्यू इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास मोस्टली जी टी वाली टर्म्स यूज होती हैं. ओके, नेक्स्ट है जी, हम लोग इसके मॉडल की तरफ जाते हैं. दैट इज एक्स टी इज इक्वल टू थीटा नॉट जी टी प्लस थीटा वन जी टी माइनस वन थीटा टू जी टी माइनस टू टू सो ऑन थीटा क्यू जी टी माइनस क्यू, वेयर थीटा नॉट एंड थीटा वन थीटा क्यू आर कॉन्स्टेंट एंड पैरामीटर. लेट्स सपोज कर लेते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी जो कि होगी एक्स इज इक्वल टू समेशन थीटा आई सी टी माइनस आई. और इसके बाद मीन जब अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो मीन इज इक्वल टू जीरो हो गया. अब उसके बाद है जी वेरियंस. वेरियंस में जब हम वेरियंस अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे, तो जिसकी कॉन्स्टेंट टर्म स्केयर रूट में आके बाहर हो जाती है.